हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की वीडियो सीरीज शुरू की है उसका पार्ट टू लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करता हूं और जो उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी, और इनके अभी आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूछा गया है जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वो कौन है। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। जो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं उनका जन्म 1919 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1971 में हुई थी। ये इंडिया के एक फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर हुए हैं और इन्होंने जो इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है और जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की थी, उसको इन्होंने इनिशिएट किया था। इनको 1966 में पद्मा भूषण अवार्ड मिला और 1972 में पोस्थमसली इनकी मृत्यु के बाद इनको पद्मा विभूषण का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो लाइट का बल्ब होता है हमारा उसका जो फिलामेंट होता है वो कौन से एलिमेंट का बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। देखिए, जो टंगस्टन एलिमेंट होता है जो उसकी मेटल्स में सभी मेटल्स के अंदर उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसका लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के लगभग मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जब जो इलेक्ट्रिक करंट जब इससे फ्लो करता है फिलामेंट से तो फिलामेंट एकदम से ग्लो करता है, चमकता है, प्रकाश फैलाता है। और जो टंगस्टन है उसके और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी और जो लो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण इसको फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे कौन से पहले टूरिस्ट हैं जो स्पेस में गए $20 मिलियन जो पैसे हैं उनको स्पेंड करके, जो 8 दिन तक ऑर्बिट में रहे, स्पेस के ऑर्बिट में वहाँ पर 8 दिन तक रहे। तो सही आंसर होगा डेनिस टिटो, ऑप्शन सी, डेनिस टिटो। और ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्होंने जो विजिट की थी वो मई 2001 में विजिट की स्पेस में और इन्होंने जो पेमेंट दी पे किया रशियन स्पेस प्रोग्राम को पे किया। जो सबसे पहले मैन है जो स्पेस में गए उनका नाम यूरी गागरिन है, वो 1961 में गए थे। और जो सबसे पहली वुमेन है उनका नाम है वैलेंटिना ट्रेस्कोवा जो 1963 में स्पेस में गई थी। सबसे पहला जो एनिमल स्पेस में गया उनका नाम है डॉग लाइका, लाइका नाम का डॉग गया था 1957 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया, जो C12 H22 और O11 है इसको किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम है इसका दूसरा। आंसर होगा ऑप्शन बी, शुगर। जो शुगर्स होती हैं उसका ये फॉर्मूला है। मेनली जो इसको सुक्रोज बोला जाता है C12H22O11 को, और ये कॉमन शुगर है। ये डाईसेक्राइड टाइप का मटेरियल है जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। और जो सुक्रोज है वो मेनली नेचुरली प्लांट से हमें मिलता है जिसको बाद में रिफाइंड करके टेबल शुगर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो टेनिस का गेम होता है उसमें जो हार्ड कोर्ट होता है वो किस सरफेस का, किस टाइप के सरफेस का बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट का। ये जो कोर्ट है हार्ड कोर्ट ये कंक्रीट का, कंकरी टाइप का बना होता है। मेनली जो टेनिस का खेल है उसमें 4 तरह के कोर्ट्स होते हैं। एक होता है क्ले कोर्ट्स, हार्ड कोर्ट्स, ग्रास कोर्ट और कारपेट कोर्ट्स। जो ग्रास कोर्ट होता है वो सबसे फास्टेस्ट प्लेइंग सरफेस है और जो क्ले कोर्ट होता है वो सबसे स्लोएस्ट प्लेइंग सरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वो किनके द्वारा कंपोज किया गया।
सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का कंपोज किया। ओरिजिनली जो ये सॉन्ग बना गया था ये संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज में बना गया था, और ये जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है हमारा इंडिया का, जो अडॉप्ट किया गया है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और जो नेशनल एंथम है हमारा वो जनगण मन अधिनायक होता है। जो ये नेशनल सॉन्ग है हमारा उसको आनंद मठ नाम की नोवेल से लिया गया, जो कि 1882 में प्रकाशित हुई थी। जो सबसे पहले गाया गया इसको 1896 में 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन था, कलकत्ता में जो सेशन था उसमें ये गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है इन सब में से जो नॉइस होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है उसका इफेक्ट नहीं है, यानी नॉइस पोल्यूशन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कौन सा ऑप्शन है? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, जो ओजोन डिप्लीशन है उससे वो नॉइस पोल्यूशन उसको इफेक्ट नहीं करता है, बाकी सभी तीनों है जो नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट करता है उन सबको। देखिए जो डेथ ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स काफ़ी इफेक्ट होते हैं नॉइस पोल्यूशन से, उनकी डेथ तक हो सकती है। जो टीनिटस है उसमें क्या होता है, जो हमारे कानों में ईयर्स में जो रिंगिंग होती है, बजिंग की आवाज़ आई जाती है, उसको बोलते हैं टीनिटिस। और इसमें क्या होता है, जो हियरिंग लॉस हो सकता है, हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो सकती है। जो हाइपरटेंशन है उसमें जो ब्लड का प्रेशर है, फोर्स होता है ब्लड पे, जो आर्टरीज की वॉल्स है उनके अगेंस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है ऐसा कौन सा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में, जो कि 1911 में जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी थी वो आए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और जिसको जो स्टार्ट किया गया बनाना वो 1913 में किया गया था, और ये कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया जो नोबल प्राइज ऑफ पीस है वो कौन से इंडियन ने जीता पहली बार। सही आंसर होगा यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने पहली बार, ओनली इंडियन है ये जिन्होंने नोबल प्राइज पीस के लिए जीता। जो कैलाश सत्यार्थी है उन्होंने 2014 में नोबल पीस प्राइज जीता था। जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं ये चाइल्ड लेबर है जो उसके अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन किया, जो बचपन बचाओ आंदोलन है इनका फेमस आंदोलन है, और इन्होंने जो ग्लोबल कैंपेन्स चलाए एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और ये विदिशा MP मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम है जिसको 2008 के समर ओलंपिक्स के लिए बनाया गया, कौन से कंट्री ने इसको बनाया। आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। देखिए 2008 के जो नेशनल जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो बीजिंग चाइना में हुए थे, और ये अभी जो करंट में 2020 के ओलंपिक गेम्स हैं उनको अभी COVID-19 की वजह से 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया, वो टोक्यो जापान में होंगे। 2016 के जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे वो लंदन में खेले गए थे। 2024 के ओलंपिक गेम्स जो कि 33rd एडिशन होगा इनका, वो पेरिस में खेले जाएंगे, और 2028 के ओलंपिक गेम्स 34th एडिशन होगा ओलंपिक गेम्स का, वो लॉस एंजिलस में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑन एन एवरेज, एवरेज तरह से जो टोटल टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं हमारी ह्यूमन टोंग में, हमारी जीप पर। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा 2000 to 8000, 2000 से 8000 तक ये टोटल बर्ड्स होते हैं हमारी जीप पे। जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है इनका वो होता है 10 डेज तक, जो ये बर्ड्स होते हैं इनका एवरेज लाइफ स्पेन। देखिए मेनली जो पाँच टाइप के जो टेस्ट होते हैं हमारी जीप पे, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है साल्टीनेस जो नमकीन, फिर स्वीटनेस मीठा, बिटरनेस कड़वा, सोरनेस खट्टा, और सेवोरनेस SAVORINESS सेवोरीनेस जो कि काफ़ी स्वादिष्ट। ये पांच तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जीप पे हमारी बर्ड्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो 107th इंडियन साइंस कांग्रेस है 2020 में हुआ वो कहाँ पर हुआ। आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका में हुआ। देखिए ये चला था 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच, और ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर कर्नाटका में। इसका जो थीम था वो था जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो 106 इंडियन साइंस कांग्रेस था वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर पंजाब में हुआ था, और जो 108 है जो 3 से 4 जनवरी 2021 के बीच होगा वो सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेशनल वोटर्स डे है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। जो ये नेशनल वोटर्स डे होता है, ये जो हमारे यंग वोटर्स होते हैं उनको इनक्रेज करने के लिए, वोट डालने के लिए इनक्रेज करने के लिए मनाया जाता है। और जो ये स्टार्ट हुआ था ये 2011 में हुआ था, जो 2020 में है वो 10th एडिशन है इस वोटर्स डे का। और ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है 1988 का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया, जो करंट नागालैंड के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनका क्या नाम है? आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जी करंट सीएम है नागालैंड के। उन्होंने जो नागालैंड के ये सीएम है नेफ्यू रियो जी, उन्होंने जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 नाम की ऐप लॉन्च की है, जो कि कोहिमा में, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में इन्होंने लॉन्च की है। और जो ये ऐप है वो सभी पर्सन्स के लिए मैंडेटरी हैं जो 6 मार्च 2020 के बाद नागालैंड में एंटर हुए हैं। जो गवर्नर है करंट में नागालैंड के, उनका नाम RN रवि जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, जो एक क्वारंटाइन नाम की मोबाइल ऐप है वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। देखिए करंटली IIT बॉम्बे ने जो दो ऐप्स बनाई है, क्वारंटाइन और एक है सेफ, SAFE सेफ, ये दोनों ऐप इन्होंने, जो करंट में जो पेंडेमिक है COVID-19 फैला हुआ है उसके लिए जो पर्सन्स हैं जिनको क्वारंटाइन में होम्स में अपने रहने के लिए बोला गया है उनको ये मॉनिटर और ट्रैक करेगी, ताकि जो ये स्प्रेड हुआ है COVID-19 काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, अब उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया, जो आयुष्मान भारत दिवस होता है वो कौन सी डेट को मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे मनाया जाता है। जो ये डे होता है, दिवस होता है, ये जो हमारा अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। और ये जो अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर, जो लोगों का सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक जो स्टेटस होता है उसके बेस पे ये दी जाती हैं। और ये जो आयुष्मान भारत योजना बनाई गई थी, शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 अप्रैल 2018 को, उसकी याद में ये इस डेट को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीजर्स कप है वो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी फुटबॉल। जो सीजर्स कप है ये फुटबॉल का एक कप है। और कुछ इम्पोर्टेंट कप्स के नाम जानते हैं जो फुटबॉल गेम से रिलेटेड हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला UEFA चैम्पियंस लीग, फिर है संतोष ट्रॉफी, सुबर्तो कप, सीजर्स कप, डूरंड कप और बंदोकर ट्रॉफी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, जो इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा जगह है वो कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी द्रास। जो द्रास है सबसे ठंडा प्लेस है इंडिया में, और ये हाइट पर है जो 3230 मीटर, इस प्लेस की हाइट है सी लेवल से 3230 मीटर। और जो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे चला जाता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक है। जो अर्थ पर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो एंटार्कटिका है, और जो सबसे कोल्डेस्ट कंट्री है वो रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो फेमस बुक है कामायनी, उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कामायनी जो बुक है वो हिंदी की एक इपिक पोयम है, जिसको हिंदी में महाकाव्य बोला जाता है। इसको जो ये एक हिंदी साहित्य का एक ग्रेट वर्क है, लिटरेरी वर्क है, और इसको पब्लिश किया 1936 में, सॉरी इसको पब्लिश किया गया 1936 में, और इसके ऑथर जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, जो एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज है, इलनेस है, वो कौन से पार्ट को, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोन्स।
देखिए, हड्डियों को ये बीमारी इफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं हमारी, वो काफ़ी वीक और ब्रिटल, काफ़ी टूटी सी हो जाती हैं, काफ़ी वीक हो जाती हैं। और ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, लैक ऑफ कैल्शियम के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में आती है, और इससे जो फ्रैक्चर्स का जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने यहाँ पर 20 MCQ डिस्कस किए, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और ये वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने कवर किए वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।